Hi everyone, hope you all must be doing great and must be enjoying a lot and also preparing a lot for your CA examinations for November 19. Taking a step further, हम लोग शुरू कर रहे हैं सीरीज specifically for taxation CA Intermediate November 19 examinations, जहाँ पर हम लोग चैप्टर वाइज पिक करेंगे काफ़ी सारे क्वेश्चंस, नॉर्मली 10 से 15 क्वेश्चंस प्लस एमसीक्यूज चैप्टर वाइज। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद सैलरी एंड सो ऑन, हम सारे चैप्टर्स कवर करेंगे इंक्लूडिंग जीएसटी, इंक्लूडिंग ऑल एमसीक्यूज एज वेल। आप लोगों को चैप्टर वाइज फाइल डाउनलोड कर लेनी है, यू कैन गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और आप कोशिश कीजिए कि आप 1 से 2 क्वेश्चंस डेली सॉल्व करें। आपको हर क्वेश्चंस की वीडियो मिलती रहेगी, जिसके बाद में आप लोग अपनी प्रेजेंटेशन और अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो, और ये वीडियोस आपको हेल्प करेंगी आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी और रिटेंशन में भी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं सैलरी। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ सैलरी। सबसे पहले अच्छी प्रैक्टिस होती है, पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ लें। आपको रीडिंग टाइम पे में भी मिलता है, वहाँ पर आप क्वेश्चन का सिलेक्शन कीजिए, कौन कौन से क्वेश्चन आपको पहले करने हैं वो उसकी प्लानिंग करें, और जब भी क्वेश्चन करें उसको एक बार फिर दोबारा से पढ़ लें। पहले बहुत कम समय लगता है पढ़ने पर, जिससे कि आपकी गलती के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स फाइंड आउट द सैलरी चार्जेबल टू टैक्स फॉर मिस्टर एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 1920। इंडिविजुअल है और सैलरी इनकम निकालनी है। काफ़ी बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम रहती है प्रेजेंटेशन करते हुए कि उनका क्वेश्चन नंबर समझ में नहीं आता, वो कहाँ पर लिखते हैं, या फिर दूसरे क्वेश्चंस के साथ मिक्सअप हो जाता है। वहाँ पर एग्जामिनर गलती कर सकता है, बेटा आपका क्वेश्चन स्किप हो सकता है बिना चेक हुए। तो इसलिए प्लीज़ आप कोई भी नया क्वेश्चन करें तो नेक्स्ट पेज से ही करें एग्जाम्स में, और इवन इनफैक्ट अगर अपने टेस्ट वगैरह भी दे रहे हैं तो कोशिश करें कि आप नेक्स्ट पेज से ही क्वेश्चन शुरू करें। सबसे पहले सेंटर ऑफ द पेज में बीच में ही लिख दें कि आपका आंसर नंबर क्या है। तो हेयर माई आंसर नंबर इज 1। मिस्टर एक्स इज़ अ रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ रामा एंड कंपनी इन गुड़गांव। ही इज़ अ प्राइवेट एम्प्लॉय, ही इज़ नॉट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ही इज़ अपॉइंटेड ऑन 1 जनवरी 2018। बेटा हमें यहाँ पर सैलरी इनकम निकालनी है फॉर द प्रीवियस ईयर 18-19, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल 18, बट इसने 1 जनवरी 18 से ज्वाइन किया है। कोई बात नहीं, हम यहाँ की सैलरी तो टैक्सेबल करेंगे नहीं, हम तो शुरू से लेंगे। अप्रैल 18 हमारा फर्स्ट मंथ होगा टैक्सेबल, अप्रैल 18 to March 19। He was appointed on 1st January 18 in the scale of 20,000-1,000-30,000। आप जानते हैं कभी कभी आपको बेसिक सैलरी ग्रेड पे के हिसाब से दी गई होती है। इसका मतलब ये होता है कि जब भी एम्प्लॉय ज्वाइन करेगा तो वो 20,000 में ज्वाइन करेगा, और उसको जब 1 साल पूरा हो जाएगा तो उसको एनुअल इंक्रीमेंट मिलता है 1,000 रुपीज़ पर एनम, और वो हर एक साल पूरा होने पर 1,000 से इंक्रीज़ होती रहेगी बेसिक सैलरी। तो इसका मतलब होता है 1 जनवरी 18 को 20,000 होगी, 1 साल के बाद 1 जनवरी 19 को उसकी सैलरी 21,000 हो जाएगी, और इसी तरीके से हर साल उसकी सैलरी बढ़ती रहेगी जब तक वो 30,000 टच नहीं कर जाता इस केस में। और जब वो 30,000 टच कर जाएगा फिर नेक्स्ट ईयर जब इनका इंक्रीमेंट होगा, तो यहाँ पर आगे का ग्रेड नहीं दिया गया, इसका मतलब वो दूसरे ग्रेडिंग सिस्टम में शिफ्ट हो जाएगा। खैर हमें वो सब नहीं करना है, हमें तो सिर्फ 2018 और 19 प्रीवियस ईयर की सैलरी इनकम निकालनी है। ही इज पेड 10% डीएनएस अलाउंस। डीएनएस अलाउंस अगर परसेंटेज में गिवन होता है तो वो हमेशा बेसिक सैलरी का ही दिया जाता है। तो जितना भी हमारी बेसिक सैलरी आएगी उसका हम वर्किंग नोट बना लेंगे, और उसका 10% डीएनएस अलाउंस होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में आगे रेंट फ्री अकोमोडेशन निकालनी है, या कभी भी रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी निकालनी है, जहाँ पर सैलरी में आता है बेसिक सैलरी, बाकी और चीज़ें भी आते हैं, बट DA आता है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। इस पे ध्यान दीजिएगा, DA फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। अगर वो DA पार्ट है रिटायरमेंट बेनिफिट्स का, तो हम अपनी रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी कैलकुलेट करते समय, जैसे आप HRA में कैलकुलेट करते हैं, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कैलकुलेट करते हैं, तो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट लेते हैं DNS अलाउंस का। अगर क्वेश्चन में डीएनएस अलाउंस के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं होता, तो हम लोग DA फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट को नहीं मानते हैं। हम ये मानते हैं कि ये रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट नहीं बन रहा होगा। बट कभी कभी इनडायरेक्टली आपको ये दिया होता है कि डीए फॉर्मिंग पार्ट है रिटायरमेंट बेनिफिट का। जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर हम उसी वाले पॉइंट में थोड़ा सा मैं नेक्स्ट वाली लाइन पढ़ता हूँ, वहाँ पे लिखा हुआ है ही कॉन्ट्रीब्यूट्स 15% ऑफ बेसिक पे एंड डियरनेस अलाउंस टूवर्ड्स आरपीएफ। बेटा आरपीएफ इज़ अ रिटायरमेंट बेनिफिट और वो आरपीएफ में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है 15% ऑफ वॉट बेसिक सैलरी एंड डीए। इसका मतलब डीए को भी वो कंसिडर करता है अपने आरपीएफ को कैलकुलेट करते समय। इसका मतलब डीए फॉर्म पार्ट्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, डीए फॉर्मिंग पार्ट है। इस क्वेश्चन में प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर सकते हैं कि सर डीए तो फॉर्मिंग पार्ट नहीं है, बट इनडायरेक्टली यहाँ पर दिया गया है कि डीए फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। आगे एक बात और मैंने स्किप कर दी थी, बोनस इक्विवेलेंट टू 1 मंथ पे बेस्ड ऑन सैलरी। सैलरी का मतलब यहाँ पर है बेसिक सैलरी, इनको बोनस भी मिलता है। तो अभी तक क्या क्या चीज़ें मिली हैं, बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंस, बोनस। बोनस कितना, मार्च के महीने की जितनी सैलरी होती है यानी कि बेसिक सैलरी, वो इनको बोनस मिलेगा। ही कॉन्ट्रीब्यूट्स 15% ऑफ बेसिक पे एंड डीए टुवर्ड्स आरपीएफ। अगर एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है तो दिस इज़ नॉट हिज इनकम, वो अपनी इनकम में से इन्वेस्टमेंट कर रहा है। यहाँ पर तो 80C में डिडक्शन मिलती है, आपको पता है 80C में डिडक्शन है मैक्सिमम 1.5 लाख, बट यहाँ पर हमसे डिडक्शंस नहीं पूछा गया है, हमसे सिर्फ सैलरी इनकम पूछा है, तो हम 80C की बातें नहीं करेंगे। बट आगे लिखा है द कंपनी कॉन्ट्रीब्यूट्स द सेम अमाउंट, यानी कि उनका एम्प्लॉयर भी सेम अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट करता है। आपको पता है अगर वो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में कॉन्ट्रीब्यूट करता है तो वो फुली एग्जेम्प्ट है, बट एम्प्लॉयर अगर आरपीएफ पे रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कॉन्ट्रीब्यूट करता है तो वो पूरा एग्जेम्प्ट नहीं होगा। इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी टैक्सेबल हो जाता है। अभी हम इसको अपने सॉल्यूशन में भी देख लेंगे, और मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, 12% ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी का जो एक्सेस है उससे ज़्यादा टैक्सेबल हो जाएगा। रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी क्या होती है, बेसिक सैलरी, डीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस फिक्स परसेंटेज कमीशन ऑन टर्नओवर। यहाँ पे फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन टर्नओवर नहीं दी गई, तो दो चीज़ें आएंगी आरपीएफ में, बेसिक सैलरी एंड डीए फॉर्मिंग पार्ट। नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है ही इज़ प्रोवाइडेड विद अ हाउसिंग फैसिलिटी विच इज़ टेकन ऑन रेंट बाय द कंपनी एट ₹10,000 per month, यानी कि कुल मिलाकर रेंट फ्री अकोमोडेशन आरएफए। हम आरएफए के बारे में जानते हैं, इसका वैल्यू ऑफ परक्विजिट क्या होता है। इफ़ द एम्प्लॉय इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो हम उनके लिए लाइसेंस फीस परक्विजिट मानते हैं, बट हेयर द एम्प्लॉय इज़ अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो रामा एंड कंपनी में काम करता है। अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो हम उसके लिए आरएफए की वैल्यू डिपेंड करती है कि वेदर द हाउस इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर और हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर। यहाँ पर ये घर हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर है, यहाँ पर वैल्यू ऑफ परक्विजिट बनती है 15% ऑफ आरएफए सैलरी और एक्चुअल हायर चार्जेस विच एवर इज लोअर। 15% ऑफ आरएफए सैलरी और एक्चुअल हायर चार्जेस विच एवर इज लोअर। एक्चुअल हायर चार्जेस तो आसान है निकालने, 10,000 per month इंटू 12 पूरे साल के 1,20,000 हो जाएंगे। 15% ऑफ आरएफए सैलरी, आरएफए सैलरी में क्या क्या आता है बेटा, बहुत सिंपल है आरएफए सैलरी का मतलब निकालना, कुल मिला के सब कुछ आता है एक्सेप्ट परक्विजिट्स, बेसिक सैलरी, डीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस प्लस ऑल कैश पेमेंट लाइक बोनस, एक्सग्रेशिया एट्सेट्रा, कमीशन एट्सेट्रा, बट परक्विजिट्स नहीं आते हैं। तो हम यहाँ पर अभी अपने सॉल्यूशन में भी देख लेंगे कि आरएफए सैलरी कितनी आ रही है, उसका 15% निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें परक्विजिट वैल्यू चाहिए रेंट फ्री अकोमोडेशन की। आगे लिखा हुआ ही इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग फैसिलिटीज़, फैसिलिटी ऑफ लैपटॉप कॉस्टिंग ₹50,000 शायद लैपटॉप था और हमने आपको दे दिया है। आपको पता है लैपटॉप अगर एम्प्लॉयर देता है या कंप्यूटर देता है या मोबाइल फ़ोन देता है यूज़ करने के लिए, तो दैट इज़ अ टैक्स फ्री परक्विजिट, इसके ऊपर हम टैक्स नहीं लगाते हैं, तो हेयर दिस परक्विजिट विल बी एग्जेम्प्ट। बेटा सैलरी का क्वेश्चन आप जब कभी भी करें तो हमेशा लिस्ट बना लें कि हमें अपनी कंपनी से क्या क्या मिल रहा है, उसके बाद आप लिखिए उसमें से कितना टैक्सेबल है और कौन सा पोर्शन पूरा एग्जेम्प्ट होगा। तो आपको अपने सॉल्यूशन में दिखाना पड़ेगा कि आपको फैसिलिटी मिल रही है, यहाँ पर एम्प्लॉय को फैसिलिटी मिल रही है लैपटॉप की, और दैट वुड बी एन एग्जम्प्ट परक्विजिट। आगे लिखा हुआ है कंपनी रीइंबर्स्ड द मेडिकल ट्रीटमेंट बिल ऑफ हिज ब्रदर रुपीज 25,000 एंड ही इज डिपेंडेंट ऑन हिम। आप इसके बारे में जानते हैं मेडिकल फैसिलिटीज़। अगर मेडिकल फैसिलिटीज़ एम्प्लॉय की या उसके फैमिली मेम्बर्स की गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दी जाए तो एग्जम्प्ट होती हैं, एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में दी जाए तो भी एग्जम्प्ट होती हैं, और प्रिस्क्राइब्ड हॉस्पिटल्स विच आर स्पेसिफाइड बाय कमिश्नर और चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स फॉर द प्रिस्क्राइब्ड डिजीज़ तो भी एग्जम्प्ट होती हैं। बेटा ना तो यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल लिखा, ना एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल लिखा, ना ही प्रिस्क्राइब हॉस्पिटल फॉर प्रिस्क्राइब डिजीज़ है। इसके अलावा अगर कोई पैसे मिलते हैं एम्प्लॉय को या उसका कोई मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड होती है या रीइंबर्समेंट मिलता है उसको, रीइंबर्समेंट होने का मतलब ये है कि पहले एम्प्लॉय ने खर्चा किया, बाद में उसको पैसे रिकवर हो गए कंपनी से, तो इन सभी केसेस में ये टैक्सेबल रहेगा। तो 25,000 विल बी फुली टैक्सेबल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है, एम्प्लॉयर हॉस्पिटल नहीं है, प्रिस्क्राइब्ड हॉस्पिटल विद प्रिस्क्राइब्ड डिजीज़ भी नहीं था, इन दिस केस इट विल बी फुली टैक्सेबल। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है द मंथली सैलरी ऑफ 1,000 फॉर द हाउस कीपर इज रिम्बर्स फॉर द कंपनी। डोमेस्टिक सर्वेंट, कुक, गार्डनर, स्वीपर अगर प्रोवाइड किए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को, और ये एम्प्लॉय स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय में तीन चीज़ें आती हैं, एन एम्प्लॉय हु इज़ ऑल्सो अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, एन एम्प्लॉय हु हैज़ A substantial interest in the company, substantial interest का मतलब होता है 20% इंटरेस्ट और मोर, और थर्ड सबसे ज़्यादा कॉमन है जहाँ पर एम्प्लॉय की सैलरी पूरे साल की 50,000 रुपीज़ से ज़्यादा की होती है तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होता है। तो ऑब्वियसली इनकी सैलरी तो 50,000 से कहीं ज़्यादा है पूरे साल की, तो दिस पर्सन इज एन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। ये वाला परक्यूसिट तो इनके हाथों में टैक्सेबल होने वाला है। अगर ये नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होते तो ये परक्यूसिट इनके हाथों में टैक्सेबल नहीं होता है, बट इस केस में तो हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है गिफ्ट वाउचर ऑफ रुपीज 10,000 ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज एनिवर्सरी। गिफ्ट दिया हुआ है, आपको ये भी पता है कि कैश गिफ्ट तो फुली टैक्सेबल होते हैं, और इन काइंड गिफ्ट अगर उनकी वैल्यू 5,000 रुपीज़ तक हो इन एग्रीगेट इन अ ईयर तो एग्जम्प्ट होते हैं। अगर उनकी वैल्यू 5,000 से ज़्यादा है तो दो ओपिनियन है, या तो आप फुली टैक्सेबल कीजिए जो ज़्यादातर आपको करना है, यहाँ पर 5,000 से ज़्यादा है तो पूरा 10,000 टैक्सेबल कर देंगे। दूसरा कुछ लोगों का ओपिनियन ये है कि इन एक्सेस ऑफ 5,000 टैक्सेबल करते हैं, मतलब 5,000 से जो ज़्यादा मिला वो टैक्सेबल करते हैं। इंस्टीट्यूट दोनों ही ओपिनियन को कंसिडर करता है, बट ज़्यादा इंस्टीट्यूट कंसिडर करता है कि पूरा टैक्सेबल कर देंगे, तो इन दैट केस पूरा 10,000 टैक्सेबल कर देंगे। अगर कुछ स्टूडेंट्स चाहें तो इन एक्सेस ऑफ 5,000 जो कि 5,000 ही बचेगा वो भी टैक्सेबल कर सकते हैं, बट आई वुड रिकमेंड कि 10,000 आप पूरा करें। आगे लिखा हुआ है कन्वेंस अलाउंस रुपीज 1,000 पर मंथ इज गिवन बाय द कंपनी टुवर्ड्स एक्चुअल रीइंबर्समेंट। कन्वेंस अलाउंस टुवर्ड्स एक्चुअल रीइंबर्समेंट। कन्वेंस अलाउंस क्या होता है? जब आप ऑफिस पर्पस के लिए विद इन द सिटी, अपनी सिटी में ट्रैवल करते हो ऑफिस के काम से, दैट इज कॉल्ड अ कन्वेंस अलाउंस एंड इट इज एन ऑफिशियल अलाउंस। ऑफिशियल अलाउंस को तो हम टैक्सेबल नहीं करेंगे, दैट इज प्योरली एग्जेम्प्ट, और इसको 1,000 रुपीज़ ही मिलते हैं और ये 1,000 ही खर्च हो जाते हैं क्योंकि वो एक्चुअल रीइंबर्समेंट है। हाँ, अगर इसमें से कुछ सेविंग कर लेता, लेट्स से 1,000 पर मंथ मिलते हैं कंपनी की तरफ से, बट ये 800 ही स्पेंड करते हैं और 200 की सेविंग कर लेते हैं, तो दैट 200 वुड हैव बीन टैक्सेबल। बट यहाँ पर तो ये पूरा का पूरा खर्चा कंपनी के लिए ही हो रहा है, एसएससी की कोई इनकम नहीं है, वो इनकम टैक्सेस के ऊपर क्यों देगा, दैट इज एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट लिखा हुआ है ही इज प्रोवाइडेड पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी फॉर विच प्रीमियम ऑफ 5,000 इज पेड बाय द कंपनी। मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी हो या फिर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हो या फिर पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी हो, दिस इज अ फैसिलिटी विच इज एग्जेम्प्ट। ये एग्जेम्प्ट होती है एम्प्लॉय के हाथों में, तो 5,000 रुपीज़ जो कंपनी ने खर्च किए हैं दैट इज एन एग्जम्प्ट परक्यूसिट। आगे दिया गया ही इज़ गेटिंग टेलीफोन अलाउंस। प्लीज़ डिफ्रेंशिएट कीजिए, फैसिलिटी नहीं है, अलाउंस है। अलाउंस का मतलब क्या होता है? कैश में मिलता है, और इसका एंड यूज़ आप करें खर्च या नहीं करें उस पर्पज़ के लिए वो पूछा नहीं जाता। यानी कि यहाँ पर एम्प्लॉय को 500 पर मंथ एक अलाउंस मिलता है, 500 पर मंथ कैश में मिलते होंगे, किसके नाम से मिलता है? टेलीफोन के नाम से मिलता है। बट ज़रूरी नहीं है आप उसको टेलीफोन पे खर्च करते हैं, अलाउंस तो यही होते हैं, कैश में मिलते हैं और उसका एंड यूज़ नहीं देखा जाता। तो यहाँ पर 500 पर मंथ पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। बट अगर ये फैसिलिटी होती, टेलीफोन फैसिलिटी हम जानते हैं वो एग्जेम्प्ट होती है, बट ये अलाउंस है। आगे लिखा हुआ है कंपनीज पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ हिज फैमिली ₹10,000। मैंने अभी डिस्कस किया था, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम हो, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रीमियम हो या मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम हो, एम्प्लॉय की या उसके फैमिली मेम्बर की पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट होती है। हाँ, बट ध्यान रखें लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम होगा तो वो टैक्सेबल होता है। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1 अपना कंप्लीट करें। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, वीडियो के एंड में आप इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। तो आई होप कि आप ये वाला क्वेश्चन जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।